स्वागत है स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रोजगारपुर पर। मैं यशवंत सिंह अगेन आप लोगों के साथ आ गया हूँ। पहले मैं आपको अपनी क्लास में मैं आपको हिस्ट्री के कुछ नोट्स लिखा चुका हूँ। अब मैं हिस्ट्री के और भी इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स बता रहा हूँ, यानी लिखा रहा हूँ। ठीक, तो मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स है वो सभी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और देखिए किस तरीके से आपकी क्लास हो रही है। देखिए हिस्ट्री बात करते हैं, हिस्ट्री की यानी इतिहास की मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब जो मैंने आपको वेद कराए हैं उनके क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ग्रंथ हैं। वो देखिए आज कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, वो आपको पता है। दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। ये सब चारों ही आपको पता है। ठीक, तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपके ऐत्रेय तथा केशकटी है। क्या है, ऋग्वेद में ऐत्रेय और केशकटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में है ऐत्रेय तथा केशकटी। आगे आपका सामवेद है, सामवेद में पंचविश है और षण्विश है। क्या है, पंचविश और षण्विश, ये काफी इम्पोर्टेंट है ये चारों ही। ठीक, ये चारों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद का है आपका तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक, और अथर्ववेद का है आपका गोपद। क्या है, गोपद। तो ये क्या हो गए, चारों के अलग अलग आपके क्या हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक, ब्राह्मणों के लिए द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं और इन्हें एक अलग नाम दिया गया है। ठीक, तो ये तथा करके दिया हुआ है, यानी ये एक ही नाम है। ये और करके यानी दो है, ये दो है, ये एक है। ठीक, तो सबके अपने अपने वो हैं ग्रंथ, वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, वर्तमान में अथर्ववेद की दो शाखाएं शौनक और विप्लाथ एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। क्या है, गोपद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपद, और विप्लाथ एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। शाखाएं कौन कौन सी हैं, शौनक और विप्लाथ, ये दोनों तो शाखाएं हो गई। ये दोनों क्या है, शाखाएं इससे जुड़ी, और इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या है, गोपद है। क्या है, गोपद है। आगे, चार वेदों को संहिता तथा श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स ये जो चार आपके, ये वाले चार आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है, ये चार आपके क्या है, वेद। इनको क्या कहा जाता है, तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है, तथा चार वेदों को संहिता और श्रुति, क्या, संहिता और श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता तथा श्रुति कहा जाता है, किसे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे कहे दे संहिता तथा श्रुति के बारे में लिखिए, तो भी आप समझ जाइएगा ये चार ही आपके क्या है, वेद, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक, इसे ये भी कहा जाता है। बाकी का तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। मीन्स यदि आपके तीन वेदों की बात आ जाए, तीन वेदों की बात आ जाए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, त्रही कहा जाता है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, त्रही। ठीक, आगे, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मनु स्मृति, ये मनु के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए मनु स्मृति मानी जाती है। प्रमाणिक है, प्राचीन ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रमाण भी है इसके। यह शुंग काल का मानक, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किसका है, शुंग काल का, किसका है, शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। जैसे ये ग्रंथ की बात हो रही थी, वैसे ही इसका एक माना हुआ ग्रंथ है। आगे आपका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ, ये क्या है, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल ग्रंथ में की गई है। किसमें की गई है, सरल ग्रंथ में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, ब्रह्मा का अर्थ तो आप जानते ही, यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन, यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यज्ञों के विषय में जो बताते हैं, या यज्ञों का जो पालन होता है, यानी यज्ञ जो किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रतिपादन करने वाला क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। आगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम है। जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय जो है ये वाला, इसमें क्या है, केशकटी वाला, जिसमें क्या है आपका, राज्य अभिषेक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, राज्य अभिषेक के बारे में। ठीक, तो राज्य अभिषेक, ऐत्रेय ब्राह्मण का राज्य अभिषेक के नियम है कुछ, वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है, शतपथ ब्राह्मण में
गांधार्व शल्य कैकई कुरु पांचाल कौशल विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। मीन्स आपका जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें गांधार्व का है, शल्य का है, मतलब गांधार्व के बारे में पूरी व्याख्या है, उसके बारे में बताया है, शल्य के बारे में, केकई के बारे में, कुरु के बारे में, और आपका पांचाल के बारे में, कौशल के बारे में, और आपका विदेह के बारे में, इन सबके बारे में, सभी राजाओं के बारे में पूरी तरीके से वर्णन दिया हुआ है, यानी उल्लेख किया गया है। आगे प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का सिद्धांत है, मतलब ऋग्वेद के आगे कौन सा ब्राह्मण का ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण का सिद्धांत है। किसका है, शतपथ ब्राह्मण का। आगे अर्णयक, यह एक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका अंतिम का भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्य आत्मक विषयों का वर्णन है। मीन्स अर्णयक जो है वो एक ब्राह्मण का एक अंतिम ग्रंथ है, जिसमें आपका क्या है, दार्शनिक यानी कि घूमने फिरने वाले जो पहले के दार्शनिक, किसे कहा जाता है, दार्शनिक को कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान उन्हें जो भी आपका जैसे भी उन्हें तथ्य मिलते हैं या जो भी उन्हें प्रकृति का नेचर मिलता है वो उनके बारे में लिखते हैं यानी उनके बारे में समझाते हैं, वो दार्शनिक कहलाते हैं। ठीक, एवं रहस्यात्मक, रहस्यात्मक मतलब खुफिया जो पुरानी बातें हैं, जैसे आपका ये जो ग्रंथ है ये भी आपको पुराने हैं, इसके अलावा आपके ताजमहल, लाल किला, जो आपके मतलब एक टूरिस्ट जो आते हैं तो वो रहस्य किस तरीके से, कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, किसके अंदर कौन सी बात है ना, तो ये विषयों का वर्णन करते हैं, वर्णन है। क्लियर है आपकी बात, ये क्या है, इसमें वर्णन है। मीन्स आपका एक छोटा सा टॉपिक था आज का भी, ये आपका फिनिश हो चुका है। आगे मैं और हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊंगा, आप लोग बने रहिए और सभी जुड़ जाइए, और भी स्टूडेंटों को जोड़िए जिनसे कि उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद।